नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून करा है गेमिंग बैंक के यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आईपीएल 2020 की टिकट हम कैसे बुक करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूं। आईपीएल की टिकट्स को बुक कर सकते हैं। तो ये धीरे से ऐप स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये देख सकते हो ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा है पेटीएम के बाद। तो पेटीएम में मोर के ऑप्शन पे दबाना है। मोर का ऑप्शन दबाते फिर ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो ये इवेंट टिकट्स होते हैं, इन पे दबाओ। इन पे दबाने के बाद इस पे सारे इवेंट्स, कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स के सब चीज़ के टिकट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुटबॉल का भी है और कैटेगरी में क्रिकेट का भी है। तो हमें आईपीएल की टिकट्स का देखना है तो क्रिकेट में आएगा वो। तो हम क्रिकेट के ऑप्शन पे दबाते हैं तो इस पे ये देख सकते हो आईपीएल की टिकटें आएंगी मैच की। जैसे कि ये दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब की टिकट की मैच की वो टिकट्स बिक रही हैं, जो कि 30 मार्च को और कौन से स्टेडियम में है और कौन सा मैच नंबर और कितने रुपये से स्टार्ट है वो बता रखा। और जैसे ये हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस की भी टिकट बिक रही हैं मैच नंबर 4 की, जो कि 1 अप्रैल को है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, जिसकी शुरुआत ये 1100 रुपये से है। और ये मैच नंबर 21 की भी टिकट बिक रही है सनराइज़र्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का, और ये सनराइज़र्स वर्सेस कैपिटल्स के मैच की भी टिकट बिक रही है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको जोन से मैच की टिकट चाहिए उस पर क्लिक करें। जैसे मेरे को चाहिए दिल्ली कैपिटल्स की, तो मैंने दिल्ली कैपिटल्स की उस पर क्लिक करा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि कौन सा IPL 2020 के मैच का 2 का टिकट है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब के बीच होने वाला है 30 मार्च को, वो भी लिखा है, और कितने बजे होगा वो भी लिखा है, और कौन से स्टेडियम में होगा, क्या वेन्यू होगा वो भी लिखा है। तो आपको टिकट चाहिए तो ये बुक नाउ टिकट ऑप्शन हैगा, इस पर दबाएँ। इस पर दबाने के बाद ये आपको पूरे ग्राउंड का मैप बता देते हैं कि कौन कौन सी सीटें अवेलेबल हैं। जो ये कलरफुल सीटें हैं या स्टैंड है, यही सब अब सीटें अवेलेबल है, क्योंकि और जो बाकी हैं वो सब बुक हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आप अगर फ़िल्टर भी कर सकते हैं इसमें रेट वाइज, जैसे 900 की भी है, अभी 1100 की भी है, 1600 की भी है, 2000 की, 2400 की, 3300, 4100 की भी है, 5200 की भी है। तो दोस्तों, आप जैसे आप 900 की देखेंगे तो ये स्टैंड, अगर आप ये टिकट्स लेते हैं तो ये ईस्ट स्टैंड सेकंड फ्लोर मिलेगा आपको 900 रुपये में एक टिकट। और ऐसी आप बहुत, जैसे कि आपने ये 5200 वाली टिकट लेनी है तो आपको ये बता देंगे कि यहाँ पे ये खाली है। तो जैसे कि मेरे को चाहिए 900 रुपये वाली चाहिए, तो मैंने इस पर ये वो ग्रीन कलर के उस पर दबाया स्टैंड वाले कलर पे। तो आपको ये स्टैंड का पूरा मैप दिखा देगा कि कौन कौन सी सीटें अवेलेबल हैं। जैसे कि ये जो ग्रीन कलर की हैंगी, ये सारी सीटें अभी अवेलेबल हैं, और ये जो सारी ग्रे कलर की है ये सब बिक चुकी है। तो आप देख सकते हो, जैसे कि आपको 6 बंदों की टिकट चाहिए तो आप इस पर एक एक करके दबा सकते हो, ऐसे सेलेक्ट कर ले। फिर उसके बाद ये टोटल प्राइस बता देगा, सीट नंबर बता देगा, फिर आप कंटिन्यू पे दबाएंगे। कंटिन्यू पे दबाने के बाद फिर ये आपसे एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह मांगेगा। तो मेरे को तो अभी कोई टिकट बुक नहीं करनी, तो आप यहाँ से जाके आगे अपनी कर सकते हो। और इसमें आपको जब डिलीवर के लिए 2 ऑप्शन मांगते हैं, एक तो बोलते हैं कि आप स्टेडियम के काउंटर पे आके लोगे कि हम घर पे टिकट भेजें। तो आप जैसे भी वो घर पे टिकट भेजने का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, और काउंटर पे जाने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, वो जो प्राइस होता है उसी पे मिलता है।